नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के बढ़ता है अपनी न्यूज चैनल। आइए देखते हैं झांसी की खबर। झांसी में उस बेटी को तो कभी मन में ख्याल भी नहीं आया होगा जिस पिता की उंगली पकड़ कर उसने चलना सीखा, वह उसी का हत्या कर देगा। यह मामला हुआ है झांसी जिले के गुरसराय थाना क्षेत्र में, जहां एक युवक ने दूसरी पत्नी के लिए अपनी सगी बेटी की पहले हत्या कर दी, इसके बाद फिल्म दृश्यम की तरह सबूत मिटाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने खुलासा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। बताते चले कि झांसी के गुरसराय थाना अंतर्गत मोहल्ला कटरा में अमित कुमार शुक्ला अपनी 12 वर्षीय बेटी खुशी और पत्नी के साथ किराए से रहता था। 25 अगस्त को बेटी खुशी का शव घर के अंदर मिला था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौत का कारण संदिग्ध मानते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है। छानबीन और पूछताछ में पुलिस को तो पता चला कि उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। घटना का खुलासा करने के लिए जब पुलिस छानबीन कर उस पूछताछ कर रही थी, तभी उससे मृतका खुशी के पिता पर शक हुआ। शक होने पर जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसका पिता ही खुशी का कातिल निकला। पुलिस ने खुशी के कत्ल के आरोप में पिता अमित शुक्ला निवासी हरियाई कस्बा थाना मऊरानीपुर को गिरफ्तार कर लिया। बच्ची का शव घर में बरामद हुआ था। पुलिस ने विधिक कार्रवाई के तहत सभी तथ्यों को जाना, पड़ताला, पहचान करी तो उस पहचान के दौरान शक की सुई पिता की तरफ घूमी। हालांकि पिता के द्वारा बहुत सारे एविडेंस ऐसे दिए गए कि जिससे किसी भी स्थिति में शक की सुई उसकी तरफ ना घूमे, लेकिन पुलिस ने अपनी पड़ताल में ये तथ्य निकल के आया कि जो कहानी है वो कहीं ना कहीं झूठी है। जो एविडेंस उनके जाने के दिए गए हैं, जो लोगों से मिलने के दिए गए, वो कहीं ना कहीं फैब्रिकेटेड है। तो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करी, पिता को पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ करी तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि चूंकि बच्ची पूर्व वाली पत्नी की थी, वर्तमान पत्नी के द्वारा ये आपत्ति की गई थी कि उसके साथ नहीं रह सकती, इसीलिए दोनों ने मिलकर रास्ते से हटाने का प्रयास किया, जिसके दौरान पहले भी एक दो बार इसने कोशिश करी लेकिन सफल नहीं हो पाया। अंतपंत जिस दिन की घटना है उस दिन सुबह ही इसने बच्ची को गला दबाकर मारने का प्रयास किया, उसके सीने पर चढ़ के बैठ गए और उसी घटनाक्रम में बच्ची की मौत हो गई। जब मैंने पूछताछ इनसे कही तो उन्होंने ये कहा कि दृश्यम पिक्चर की तरह इन्होंने ये चीज, ये तथ्य इकट्ठे किए, एकत्रित किए और एकत्रित कर ये इंश्योर किया कि शक की सुई कहीं और घूम जाए और ये निर्दोष साबित हो जाए।